हेलो, क्लास 10th मैथमेटिक्स में संदीप सर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 14.1। आपका जो चैप्टर है वो है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, वहाँ पे आपने मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हें ही हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप अच्छे से इनकी सबकी रीडिंग कीजिएगा। जैसे मैंने होमवर्क में भी आपको भेजा था, वहाँ पे आपके पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ें। जैसा कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है कि यू हैव ऑल्सो लर्न्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा पिक्टोरियली इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ग्राफ्स, यानी आपके पास 9th में कुछ ग्राफ्स थे, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, और अब उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, लेकिन वे डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपके पास मीन मीडियन मोड से रिलेटेड काम है, उसे आपको सीखना है। देखिए, जैसे कि आपने कहा यू वेंट, इनफैक्ट यू वेंट ए स्टेप फर्दर बाय स्टडिंग सर्टेन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकली, यानी जब आपके पास में एक निश्चित स्टडी के लिए एक निश्चित न्यूमेरिकली वैल्यू हो रिप्रेजेंटेटिव, तो हम कहते हैं कि ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके ग्रुप अनग्रुप्ड डेटा हैं उनके जब आप मेजर करते हैं, तब उनको न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंटिंग करने के लिए हमारे पास जो एक ग्रुप बनता है उसे मैं सेंट्रल टेंडेंसी कहता हूँ। उसके साथ क्या है आपके, देखें, नेमली उसमें क्या आता है, मीन मीडियन एंड मोड। यानी आपके सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आप रीड करेंगे, मीन मीडियन और मोड। इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सटेंड द स्टडी ऑफ दीज थ्री मेजर्स, कौन से हैं तीन, मीन मीडियन एंड मोड, फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा टू दैट ऑफ ग्रुप्ड डेटा। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट। अब हम कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, जो मीडियन है उसमें हम कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा एक टॉपिक, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप इन सब की रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जब मैं मीन स्टार्ट करूँगा तो मीन मीन एवरेज के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है वहाँ कि फाइंड द एवरेज। अर्थमेटिक मीन, ये फुल नेम भी आ जाता है इसका कि भाई आप अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए और मीन वो भी फाइंड कीजिए। तो ये तीन नामों से आता है, तीनों का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कोई सा भी नेम यूज कर सकता है वो। मीन फाइंड करने के तीन मेथड हैं, उनमें से हम यहाँ दो मेथड सीखेंगे, तीसरा आपका डिलीट है जो स्टेप डिवीजन मेथड है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड को सीखेंगे। ओके बच्चों, डायरेक्ट मेथड क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपका। जब आप मीन फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से, मीन फाइंड करेंगे आप जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स बार से, वो इक्वल टू होगा आपके पास में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर हो गया बच्चों? एफ यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स आपके पास में वैल्यू है, ठीक है, जिसे मैं क्लास मार्क बोलता हूं, जब मेरे पास में सी आई होगा, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है जी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन अपना रीड करें, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड से आपको समझाऊंगा, दोनों मेथड आपके समझाऊंगा मैं, डायरेक्ट मेथड भी और एज्यूम मेथड भी। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप दोनों मेथड से अगर करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। क्लियर हो गया? आपको सभी क्वेश्चन एक ही टाइप्स के हैं, तो आप उन दोनों मेथडों से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। कितने हाउसेज हैं? 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन। आपको क्या फाइंड करना, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर आवर्स।
तो नीचे एक टेबल दी हुई है नंबर ऑफ प्लांट्स, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ प्लांट्स, उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस, ओके। जब आप ये दोनों टेबल लिखते हैं तो आप ध्यान दें, आपके पास है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, कितना है सर? 0 से 2, 2 से 4, इस तरीके से है। तो जब इस तरह से है तो मैं आपको इसे क्या नाम दे देता हूं? CI। ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया। और जो मेरी नंबर ऑफ हाउसेज है उसे मैंने कहा कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि 1, जैसे कि 2। तो मैं इसे आगे तक लिख देता हूं, ओके। तो एक क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, जो आपकी क्लास इंटरवल है 0 2, 2 to 4, 4 6, 6 to 8, 8 to 10 और ये 14 तक है। फ्रीक्वेंसी आपको गिविन है 1 2 1, 5 6, 2 और 3। अब मैं इनका एक्स निकालूंगा, क्लास मार्क निकालूंगा। एक्स किस तरह से निकलता है? जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का क्या है फॉर्मूला? आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2। तो 0 2 प्लस 2 और 2 को डिवाइड से दिया तो ये आ गया 1। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2 6, और 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3। क्लियर? इसी तरह से 6 4 10, 10 का हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ गया 5। इसी तरह से 8 और 6 कितना हो गया? 8 और 6 14, तो हाफ कितना हो गया? 7। तो इस तरह से करते हुए चले जाइए तो फिर आएगा आपका 9, और फिर आएगा आपका 11, और फिर 13। सब में कितने का इंटरवल है? 2 3 2 5 2 7, ठीक है, सब में 2 2 का हो गया। और यहां भी क्लास इंटरवल में सब में कितने का है डिफरेंस आपके पास? यानी आपके पास 2 2 4 2 6, 2 2 का यहां। क्लियर हो गया? इस तरह से आप अपने क्लास मार्किंग की टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप अपना फॉर्मूला देखें। आपके फॉर्मूले में क्या है? आपके फॉर्मूले में है सिग्मा एफ एक्स। तो आप क्या कहें, एफ की मल्टीप्लाई एक्स से कर दीजिए। यानी ये है आपकी एफ वाली टेबल और ये है आपकी एक्स वाली टेबल। इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, आपके पास में क्या आ गया? जब आपने एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आ गया 1 6 5, 35 54, 22 और 39। क्लियर हो गया? अब आप इन सब का ऐड कर दीजिए, कीजिए जरा। तो इन सब का ऐड आएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, चूंकि इस एफ एक्स वाली टेबल को करें तो सब का टोटल आपका आ गया 100 62। ठीक है, फॉर्मूले में सिग्मा एफ भी है तो यहां ये एफ वाली टेबल है तो यहां से मुझे सिग्मा एफ मिल जाएगा। इन सिग्मा एफ कितना है आपका? इन सब का टोटल कीजिए तो सिग्मा एफ बैठता है आपका 20। कितना बैठ रहा है? 20। फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये आपने कौन से मेथड से सीखा? ये आपने सीखा है बाय डायरेक्ट मेथड, यूज किया है हमने डायरेक्ट मेथड। क्लियर? क्या कहता है कि सिग्मा एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी आपके पास है 162 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर हो गया? 162 को 20 से जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास कितना आ गया? 8.1 प्लांट्स आ गए। ये आपका क्या हो गया? मीन फाइंड हुआ। इस तरह से आपको अपना डायरेक्ट मेथड यूज करना है और सभी क्वेश्चनों में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपके लिए कि आप इसे कीजिएगा, ओके। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास मार्क आपने खुद निकाला है, एफ मल्टीप्लाई एक्स की है और इन सबको ऐड करके सिग्मा एफ से डिवाइड दे दिया है। साथ साथ एक नीचे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये मेथड क्यों यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो जब भी आपके पास जो वैल्यू एक्स और एफ है अगर वो स्मॉल है, छोटी है, स्मॉल है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करना बेनिफिट समझते हैं अपना। क्लियर हो गया? क्योंकि सीधी मल्टीप्लाई हो सकती है और ऐड भी जल्दी जल्दी हो। अगर इन्हीं की जगह डेटा में कुछ अलग होते 88, 99, 120, 111, 115 तो कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगता है। इसलिए चूंकि स्मॉल वैल्यू दी हुई है एक्स और एफ की तो मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। क्लियर हो गया? इसलिए तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था। आइए हम इसी क्वेश्चन को या इससे क्वेश्चन नंबर टू आप सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री मिसिंग वैल्यू भी है उसमें, एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में और आपके पास एज्यूम मेथड भी, उससे एक क्वेश्चन में एज्यूम मेथड से आपको सिखाता हूं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर थ्री जब आप पढ़ते हैं तब फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी द मेन पॉकेट अलाउंस इन रुपीज 18 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, आपके पास जो 18 है वो मेन गिविन है। ठीक है जी, कह दिया। और साथ साथ इसने फ्रीक्वेंसी, ये देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें एक मिस कर दिया है और ये जो मिसिंग वैल्यू है एफ, ये ही आपको फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ हम इसे एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये टेबल नोट करें आप अपनी। तो मैंने क्या कहा, इसे क्लास इंटरवल लिखा और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है बच्चों? देखिए तो सबसे पहले आप ध्यान दें, जो आपका एज्यूम्ड मेथड है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वेयर डी इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए लेंगे आप और आपके पास ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा। क्लियर? ओके, देखे जाए तो ये आपका एज्यूम्ड मेथड है। ठीक है, ए आपका क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो इस तरह से आपका ये एज्यूम मेथड से मीन फाइंड किया जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान दें आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, जो आपकी डेली पॉकेट अलाउंस थी उसे मैंने क्लास इंटरवल कहा, सीआई क्लास इंटरवल कहा, और जो आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे मैंने उसे फ्रीक्वेंसी कहा। अब मैं एक्स फाइंड करूंगा यानी क्लास मार्क फाइंड करूंगा और ये पहले की तरह से ही है, 11 प्लस 13 कितना हो गया, 11 प्लस 13 और डिवाइडेड बाय 2 तो मेरा क्या आ गया, 12। ठीक है जी, 24 हो गया और 24 का हाफ करेंगे तो मेरे 12 आ गया। इस तरह से फिर अब मैं क्या करता हूँ, 13 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 2 ये आप रफ करते हुए चलें तो मेरा आता है 14, फिर जब 15 प्लस 17 तो ये मेरा आ गया 16, फिर 18 और फिर थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, 12, 14, 16, 2 सब में 2-2 का डिफरेंस आ है। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ, तो मेरे पास में कितना हो गया, ये आ गया 20 और इन दोनों को ऐड करता हूं तो 22, 24 तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी इसमें, डी, यानी आप एज्यूम्ड करना है आपको, आपको क्या करना है, एज्यूम्ड करना है। तो आप एक्स में से ही एज्यूम करेंगे तो आप कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो आप मिडिल के कर लिया गए, उसमें बेनिफिट होता है, प्लस माइनस बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं इसमें 18, ठीक है जी, 18 कर लेता हूं, 3 ऊपर से छोड़ के 3 नीचे से, तो मैंने क्या कहा, 18 को लेट कर लिया एज्यूम्ड, तो मैंने कितना कर लिया, ए 18 कर लिया आपका लेट। अब मैं आपका क्या निकाल सकता हूं, डी निकाल सकता हूं। तो डी कैसे फाइंड है भैया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी। क्लियर है बच्चों? यानी मैं क्या निकालूंगा, अब एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी। एक्स देखिए 12 है, एक मैं आपको करके दिखा देता हूं,
12 माइनस ए आपने कितना एज्यूम किया था 18, तो जब 12 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा माइनस के 6। इसी तरह से सब में से करते हुए चले जाइए, हर टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट और रफली कर सकते हैं आप। अब 14 माइनस 18, तो 14 माइनस एक और लिख के दिखा देता हूं आपको। चलिए 14 माइनस 18 कितना हो गया आपका माइनस 4, तो इस तरीके से फिर आ जाएगा आपका माइनस 2, फिर 18 माइनस 18 जीरो, प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 6, ये आ गया आपका डी। फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये था। ए भी है, डी भी आ चुका, अब क्या है एफ मल्टीप्लाई डी लेना है, तो एफ मल्टीप्लाई डी। एफ कहाँ है? ये है आपका एफ, ओके बच्चों। और डी कहाँ है? ये है। जब आप 7 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस के 42। जब आप 6 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस के 24। बस इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हुए चल जाइए, तो अब आपका कितना -18 और मल्टीप्लाई 0 से हो गई तो 0, फिर एफ और यहां है 2, तो ये आ गया 2F, फिर आ गया आपका 20, फिर आ गया आपका 24। क्लियर हो गया? ये हो गई आपकी एफ डी, सबको ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। सिग्मा एफ डी 2F तो अलग है ही आपका, और बाकी माइनस के अलग कर लीजिए और प्लस के अलग कर लीजिए, तो जब आप करते हैं तो मेरे पास इनका आ जाता है -40। वही माइनस के अलग से ऐड किए, प्लस के अलग से, और जब उन्हें दोनों को बैलेंस किया तो माइनस के ज्यादा बचेंगे, तो माइनस का 40 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ ये है आपके पास सिग्मा एफ, इन सब को सिग्मा एफ को जब आप ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है एफ प्लस 44। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं मैं सिग्मा एफ कितना लिया आपने, एफ प्लस 44 लिख दीजिए। मीन कितना है 18, ये भी गिवन है। ए कितना है आपका? ये भी आपका 18। प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया? 2F माइनस 40, और सिग्मा एफ कितना है आपका? एफ प्लस 44। ठीक है जी, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास 18 इधर जाके माइनस हो गया, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2F माइनस 40 अपॉन एफ प्लस 44, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 2F माइनस 40 एफ प्लस 44। ठीक है, और अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे देख लीजिए इसके सपोज 1 है, तो एफ प्लस 44 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, और ये हो गया 2F, 2F माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और 2F इज इक्वल टू 40, और 2 से इसे डिवाइड दिया तो एफ कितना आ गया 20, ये आपकी मिसिंग वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपको अपना एज्यूम मेथड करना है, और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इन दोनों मेथडों से अलग अलग आप करके देखें। अगर वहां लिखा हुआ आता है कि भाई आपको एज्यूम मेथड से ही करना है तो आपको वही करना पड़ेगा, और यदि केवल लिखा हुआ आता है क्वेश्चन की फाइंड द मीन, तब आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था, आपके दोनों मेथड क्लियर हो गए हैं। आप घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो हम इससे
नेक्स्ट, तो उसके लिए आप मोड अपना अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।